गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं अपन। और एनवायरमेंटल स्टडीज में आप देख रहे हैं कि वी इंक्लूड मैनी थिंग्स आर मील्स। हम हमारे खाने में कई सारी तरह की अलग अलग चीजें जो है वो शामिल करते हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड कॉर्न, स्क्विड ग्राम, पल्स मंग, मूंग, राइस, व्हीट, ब्रिंजल, मिल्क, कर्ड, पी, कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिनेच, लेडी फिंगर, पोहा, बिटर गार्ड, वाटर गार्ड, चीज, बटर मिल्क, मावा जैसे खोया, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड एक्सेट्रा। इफ यू वॉन्ट यू कैन एड मोर थिंग्स। तो पता ही है कि हम जो डेली खाना खाते हैं उस खाने में हम अलग अलग तरह की कई सारी चीजें खाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, जस्ट जब खाना खाते हैं एक ही तरह की चीज तो खाते ही नहीं है, थोड़ा कुछ क्या कुछ क्या। जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए, अलग अलग तरह की सब्जियां, अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह की ड्रिंक्स, अलग अलग तरह का खाना जो है वो हम खाते हैं। एक ही तरह का खाना हम नहीं खाते हैं। और अलग अलग तरह का खाना हम क्यों खाते हैं, ताकि अलग अलग तरह के खाना खाने से हमारी बॉडी को जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो नीड क्या हो सके, पूरी हो सके, वो जरूरत उसकी पूरी हो सके कि क्या क्या चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड इसके अलावा फाइबर, जो जो चीजें भी रफेज लाइक, तो जो जो चीजें न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नेसेसरी होते हैं वो चीजें क्या होती है हमें खाने के थ्रू, फूड के थ्रू मिलती है, मील के थ्रू। और अलग अलग तरह का खाना इसीलिए हमें खाना जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कमी ना आ सके। आप चाहे तो एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो आप खाते हैं, कौन कौन से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो आप खाते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो आप खाते हैं, कौन कौन से ग्रेन्स एंड पल्सेस हैं, दालें और अनाज जो आप खाते हैं, मीट, एग, फिश एटसेट्रा जो आप खाते हैं। तो आप अपने खाने के अकॉर्डिंग, अपने मील के अकॉर्डिंग जो है वो आप एक पूरा चार्ट बना सकते हैं, चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इफ वी इंक्लूड राइट अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स इन आवर डाइट, देन सर्टेनली वी विल गेट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन्स एंड मिनरल्स एटसेट्रा फॉर आवर बॉडी। और देखिए, अगर हम सही तरीके से हमारे फूड के अंदर ये सारी चीजें, सब तरह का खाना क्योंकि हमें खाना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी एक भी तरह के मिनरल, विटामिन या फिर किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी आ गई, तो उस न्यूट्रिएंट से की कमी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है कई सारी, कभी पूरा एक चार्ट होता है, तो वो बीमारी जो है वो हमें हो सकती है। दैट्स वाई हमें क्या है, ये जरूरी है कि हम हर तरह का अपने खाने में हर तरह की न्यूट्रिशन वाली चीज जो है वो ऐड करें, ताकि हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, किसी तरह का कोई नुकसान ना रहे। इसीलिए आप जब खाना खाते हैं तो ये जरूरी है कि आपके खाने के अंदर, आपके मील के अंदर एक बैलेंस डाइट आप शामिल करें, यानी कि ऐसा खाना हो जिस खाने के अंदर चपाती भी हो, थोड़ी सी चावल हो, दाल हो, कोई सब्जी हो, ठीक है, सैलड हो, अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें, थोड़ी सी दही भी हो, ये सब तरह की चीजें जो है वो, तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपने खाने के अंदर इंक्लूड करें, अपने खाने के अंदर रखें, ताकि जब आप अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे। और इस तरह के खाने को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। दैट मीन्स वो डाइट जिसके अंदर आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो, मौजूद हो, जो आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा कर रहे हो, वो क्या होती है, हमारी बैलेंस डाइट होती है। क्योंकि अगर आपके खाने में बैलेंस डाइट की कमी है तो क्या होगा, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी, देन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड अलग अलग दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो मैंने आपको कल भी कहा था, खुद डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं आपसे कि दवाइयां खा लीजिए या फिर अच्छा हेल्दी खाना खा लीजिए। अब आपको क्या खाना पसंद है ये आपकी चॉइस है कि आप अच्छा खाना खाना प्रेफर करेंगे या फिर आप दवाइयां खाना पसंद करेंगे, इंजेक्शन लगवाना पसंद करेंगे, ड्रिप लगवाना पसंद करेंगे। तो इसीलिए हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाइए, ताकि जरूरत ही ना पड़े, आपको किसी भी तरह की बीमारी ही ना हो,
आपको कोई इंजेक्शन एटसेट्रा डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो बैलेंस डाइट खाइए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक फूड का चार्ट बनाएंगे, किस तरह से क्या क्या खाने को अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसी को रीड करिए, रिवाइज करिए। हैव अ गुड डे।